कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और निशाने पर केंद्र सरकार। कैन वी हैव योर अटेंशन प्लीज, थैंक यू। अभी हम सभी लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म हमारे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य की देखी है और दहशतवाद के वक्तव्य पर देखी है, और उन्होंने बंबई में जब भाषण किया था ये दहशतवाद के बारे में, और उस वक्त उन्होंने कहा था, अभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के पास, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी के पास से हमारी बहुत अपेक्षा थी कि दहशतवाद कम करने के लिए, और आज जो परिस्थिति है कि वो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी इंट्रोस्पेक्शन करें कि जो बंबई में आपने भाषण किया था, और आज जिस तरह से पठानकोट में जो हल्ला हो गया है मैं उसकी निर्भत्सना करता हूं, और हमारे जवानों ने जो काम किया है हमेशा करते रहे हैं, मैं कई साल से देखते आ रहा हूं कि ऐसे वक्त उनको एक इनकरेज करना चाहिए, उनकी जो हमेशा के लिए काम करने के लिए एक अपेक्षा उनको इनकरेज करने के लिए रहनी चाहिए। तो हमारे संरक्षण मंत्री कहते हैं कि ये बुरा हो गया, मेरे स्टेटमेंट का कहा है ऐसा हो कि देश नहीं चलता है, ये हिम्मत से लड़ना चाहिए कि हमारी दोस्ती जरूर दोस्ती होगी लेकिन जब हमारे पर हमला होता है तो हम ये सहन नहीं सकते, उसे उसी तरह का उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार की मैं भावना रखता हूं और कृति भी रखता हूं। मैं कई बार ऐसा मैं देखा कि जो हमारे पार्टी में बात करते हैं वो गृहमंत्री प्रधान गृहमंत्री पार्लियामेंट में बात बनाते हैं उसकी। हमने जयपुर में हमारे पार्टी में बात कही थी हिंदू टेरर के बारे में, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया लेकिन हमने उसी वक्त उसी दिन हमने कहा था कि ये हिंदू टेरर न हिंदू का होता है, न कोई किसी धर्म का होता है, न हिंदू का होता है, न इस्लाम का होता है, न कोई जाति का होता है। इस प्रकार का वक्तव्य मैंने किया था उस वक्त, तो उसको वहां लेके चले गए और तब से टेरर बढ़ा है इस देश में, इस प्रकार का वक्तव्य लोकसभा में गृहमंत्री ने दिया था। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 99 में 184 जो आईसी 184 था वो जब टेरर लोगों ने रोक रखा था, और तीन महत्वपूर्ण जो लोग थे उसमें मौलाना अजहर थे प्रमुख और दूसरे दो, और उनको छोड़ने के लिए दिल्ली से, असल में तो ये जो दो लोग कश्मीर में थे उनको प्लेन से लाया गया, तब तक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहां रुके थे, वो लाने के बाद मौलाना अजहर और दूसरे दो लोग उनको साथ में लेके गए और कंधार में छोड़ दिए। टेररिस्ट, और जब से 99 से उनको छोड़ दे दिया तब से, चाहे जैश मोहम्मद हो या दूसरे संगठन हो, उन पर एक विश्वास आ गया कि हम कुछ भी करें तो भारत, उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पर हल्ला हो गया, 99 में हल्ला हो गया, लाल किला पर हो गया, जम्मू कश्मीर के असेंबली पर हो गया, और आखिर भारत का सर्वोच्च स्थान है जो पार्लियामेंट, वो 13 दिसंबर को अभी उनको श्रद्धांजलि हो गई जो लोगों ने अपना जीवदान दिया था वहां, तो वो किस वक्त हो गए थे, 99 से लेके दो लाल किला पर जो हल्ला भी हो गया था, तो ये चार हल्ले जो महत्वपूर्ण थे वो एनडीए के टाइम हो गए थे, वहां तो कभी किसी हम लोगों ने हिंदू टेरर की बात नहीं की थी।
हमने हमारी तो भूमिका बहुत स्पष्ट है कि टेरर किसी जाति का धर्म का नहीं होता है, उसका रंग कोई नहीं होता है, लाल होता है या हरा होता है या भगवा होता है, आखिर वो दहशतवादी है। तो इस तरह का ये बनाव बनाते चलते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो ये लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता पे आती है तो ये टेररिज्म इस देश में बढ़ते रहा है। मेरे स्टेटमेंट में भी बताया है अभी कि गए 3 इंसिडेंट्स में जिस तरह का हल्ला हो गया है, और क्या किस तरह की, जब ये इंटेलिजेंस आपके पास है, आता है, तो क्विक एक्शन लेना ये बहुत जरूरी होता है। अभी अपने पठानकोट में इतना सैन्य है, वो एक सेंटर है हमारा प्रमुख, और 50,000 से ज्यादा मेरे ख्याल से वहां हमारे सैनिक है। जब इंटेलिजेंस का आपको इशारा मिला था तभी पूरा एयरपोर्ट कॉर्डन करने का था, ठीक है जो बॉर्डर से आए होंगे वो लोग, लेकिन एयरपोर्ट पूरा कॉर्डन करके उनको अंदर नहीं आने को देने का था। और आप ही कहते हैं कि उनका ये इरादा था कि हमारे सब विमानों को उड़ाने का इरादा था, तो ये छोटी बात है समझने की, लेकिन नहीं किया उन्होंने। जब कल की बात, बंबई की बात करते थे और दूसरी जयपुर की बात करते थे मोदी जी, यूपीए सरकार में के मंत्री जयपुर में बिरयानी खाते थे, और आप वो तो बोलते हैं कि बिना कुछ इशारा देके अब्रप्टली गए पाकिस्तान के सरकार को मिलने के लिए, नवाज शरीफ को। ऐसा कोई मैंने अभी तक मेरे पॉलिटिकल करियर में नहीं सुना है कि कोई प्रधानमंत्री अब्रप्टली वहां किसी देश के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए जाता है। इसका तो पहले से गुप्त इन्होंने सब रखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री वहां विजिट देना चाहते हैं, एक महीने से काम चला होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की लाइफ की इतनी रिस्क है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री है और पाकिस्तान को विजिट करते हैं तो उनकी लाइफ हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। तो ये काम तो इंटेलिजेंस ने लिया होगा, लेकिन दुनिया को बताते वक्त ये कहते हैं कि वहां गए, और गए तो गए, आए वहां तो कुछ बातें हो गई, वो कुछ रिलीज किया कुछ, हमें तो मालूम नहीं क्या बातें हो गई। ये जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है तभी क्या बातें हो गई, ये लोगों को, देश को बताना जरूरी होता है, तभी देश चलता है। मुझे बताया गया है कि यहां जो हमारी कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है, वहां होम मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, और कभी कभी फिनेंस सेक्रेटरी भी वहां होता है, फिनेंस मिनिस्टर भी होता है। तो ये लोग डिसीजंस लेते हैं, युद्ध, जब युद्ध की स्थिति जैसी परिस्थिति होती है तो हम देखते नहीं बैठते। कोऑर्डिनेशन जब तक हमारा नहीं कर पाते हैं तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो मीटिंग ही नहीं ले ली थी उन्होंने, और दूसरी बात, वॉर रूम का काम यहां होम मिनिस्ट्री में या डिफेंस मिनिस्ट्री में या कोऑर्डिनेटेड कमिटी में वहां चाहिए था कि वहां क्या हो रहा है, मिनट मिनट का यहां मालूमात होना चाहिए। ऐसा कुछ हमें तो पता नहीं है, मिनट मिनट का क्या वो रिस्पांस ले रहे थे वहां। तो ये जो बातें हैं मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सरकार पूरी फेल हो गई है। इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई काम यंत्रणा नहीं है। यंत्रणा है
लेकिन उसे ठीक तरह से काम नहीं लेना चाहते। तो ऐसी सरकार इस देश में चलती रहेगी तो हमारे अच्छे दिन के बारे में हम देश को हम ये टेररिस्ट के हाथ में देने का काम कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। धन्यवाद। दो चीजें आपने इम्पोर्टेंट बोली सर, कि होम मिनिस्टर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं। मेरे दो सवाल है सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, पहली इस अटैक के बाद होम मिनिस्टर उसमें मौजूद नहीं है, होम मिनिस्टर गुड़गांव में एक कार्यक्रम में है, क्या लगता है आपको कि ये उनके लेवल पे इग्नोरेंस नहीं है या उनको लूप में नहीं लिया जा रहा? एक और सवाल सर, आपने प्रॉम्प्ट एक्शन की भी बात की, इस देश में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी जिन पर काफी दारोमदार है और बहुत आलोचना उनकी हो रही है कि उन्होंने इसमें उस तरह का काम नहीं किया जैसा उनसे उम्मीद थी। देखिए ये तो बहुत क्विक, मैं इसलिए कहा कि मैं अभी कई बार देखा हूं, मैंने आपने भी देखा है कि जब मैं यहां होम मिनिस्टर हूं तो किस तरह हम काम करते थे। ये तो इन्वॉल्वमेंट सभी की रहती, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और होम सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी एक दिन रात इस पर काम करते हैं और हमें तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। आप कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने काम नहीं किया, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यदि ये बात सही होगी तो इस देश के लिए ठीक नहीं है। नहीं सर, क्या प्रॉम्प्ट एक्शन आपको एनएसए के लेवल पर लगा, क्योंकि सारा कुछ मॉनिटर वही कर रहे थे, व्हाट इज योर असेसमेंट? लगना चाहिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, नहीं मैंने क्विकली नहीं किया है। नहीं, नहीं ऐसा हुआ, आपको लगा कि आपके समय में जो कोऑर्डिनेशन था, आप लोग वहां मिलते थे, एनएसए होम सेक्रेटरी आईबी चीफ रॉ जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आईबी इंटेलिजेंस इनपुट था और इन लोग में जो सामंजस्य दिखना चाहिए था वो दिखा आपको? मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। सर मैं दूसरा सवाल था, होम मिनिस्टर आज कैबिनेट में नहीं है, पहली कैबिनेट चल रही है अटैक के बाद सर, विच इज सीरियस। अभी वो होम मिनिस्टर किस काम के लिए गए हैं पता नहीं है, और कैबिनेट जो हो रही है उसमें ये सब्जेक्ट है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन यह हमारा कर्तव्य होता है कि जब देश में इस तरह की घटना हो गई तो कैबिनेट को ब्रीफ करना, ये डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का भी काम होता है। सिद्धि साहब आपने ये कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी पाकिस्तान के और एब्रप्टली गए, सामान्य तौर पे आपके हिसाब से ऐसा नहीं होता है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान विजिट को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड आप लोग करेंगे कि पूरे किस तरह से वो उसको नहीं तो वो गुमराह कर रहे हैं? तो ये तो अभी जो चित्र फीत आपने देखी उससे तो मालूम होता है, जो आदमी ने बोला पाकिस्तान के सरकार पर इतना अटैक किया है वो गले मिल रहे हैं। सर जरा इधर बोलेंगे सर, एक सवाल ये है कि अभी जो बातचीत की आपका भी एक लंबा करियर एक्सपीरियंस और पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं लगातार आजादी के बाद वो लगातार हमारे ट्रेन रिश्ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस माहौल में जिस तरह से ये हमले हुए हैं, लगातार हमले हुए हैं, उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए, क्या उनसे कोई रिश्ता रखना चाहिए? आप इस बारे में देखिए, ये बात तो हमेशा आती रही है, जब भी टेररिस्ट अटैक हो गए तभी बात आ गई, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं उनको, जो कि बम्बई के अटैक में के जो लोग हैं पाकिस्तान में उस पर कार्रवाई करो बोल के हम बहुत बार बोल रहे थे। इतना ही नहीं तो वो उनके एडवोकेट्स यहां नहीं आते थे तो हमारे एडवोकेट्स वहां भेजे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे बात हो गई, उनका सैंपल्स लेने थे वॉइसेस के, वो भी बात की, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं इस पर। तो इसी तरह की बातें होती है, तो अभी तो ये इतना बड़ा अटैक हो गया है और ये पूरा हमारे लाहौर के नजदीक का सब ये भाग है, विभाग है, तो ये इस वक्त की जो बात मैं समझता हूं कि ये पहले हमारे ये सवाल मिट जाए टेररिस्ट के बारे में, और हमारे को जो हमने प्रूफ दिया है ऐसे बोलते हैं हमारे सरकार ने, उसका तुरंत वो निर्णय ले ले। बातें तो करनी चाहिए, हमारे उसमें कोई ना नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा विचार रहा है की बातें करने का, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आप समझ के चलना चाहिए। ये तो बात सही है, पहले भी हम कहते थे अटारी से भी
जब ये ट्रक का यहाँ स्मगलिंग होता है पंजाब के बॉर्डर पर, जम्मू और कश्मीर की एक एरिया है, जम्मू का थोड़ा पार्ट और पंजाब का पार्ट, ये सब जो जहाँ हमारे फेंसिंग है उस वहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से ड्रग का स्मगलिंग होता है। वो कंट्रोल करने के लिए भी तभी भी हमने पंजाब सरकार को कहा था कि इसके वजह से आपके सरकार को भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ये हमने कहा था। अच्छा कल आप सरकार में गृह मंत्री रहे, उस वक्त में कई बार आपका इस्तीफा मांगा गया, कई बार प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया, ये जो घटना हुई आप बता रहे हैं इसमें चूक है, लापरवाहियां हैं और प्रधानमंत्री की विधिपूर्ण नीति सही नहीं है, तो क्या आप प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं या रक्षा मंत्री? देखिए इस्तीफा अभी मांगने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन अपनी गलती हो गई है, जो मैंने बोला इंट्रोस्पेक्शन की बात कहा है, तो यदि हो गया है तो इस्तीफा देना चाहिए। जो भी हो, जिसको लगता है कि अपना, वो तो कॉन्सेंसस की राजनीति करते हैं, हम देश के सेवक हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं उनके पार्टी में वगैरह, तो उन्होंने ये समझना चाहिए कि हमसे ये गलती होगी और देश से माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। हम आज ये स्थिति में मैं तो नहीं मांगना चाहूंगा। लेकिन हालत ऐसी है कि एक के बाद एक लगातार इस हमले के बाद भी बातचीत का जो रास्ता है पैसे जब भी बीजेपी बनाकर चल रही है, तो इसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या कहते हैं? देखिए अभी खुद प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आपने देखा है इलेक्शन पूर्व, अभी उनका वो विचार कायम रह जाएगा तो मैं समझता हूं कि सही रास्ते पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आया कि बातचीत होगी, उससे पहले प्रधानमंत्री क्या बातचीत हो गई प्रधानमंत्री से, यही बोलते नहीं प्रधानमंत्री, क्या बातचीत हो गई? अरे फोन पर भी बातचीत हो गई है टेरर अटैक के बाद, वो तो देश को बताओ, वो भी नहीं बताते। तरीके से देश के अंदर ही सेना के जो अधिकारी हैं वो मिले हैं जासूसी के, उन पर आरोप लगे हैं, क्या देखते हैं कि बीजेपी का मतलब केंद्र सरकार का अच्छा कदम है, कांग्रेस की क्या राय है? जब जासूसी का काम जहां होता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। शिंदे जी आपने कहा अभी आपने कहा कि अगर कोई गलती हो गई है तो उनको गलती को एक्सेप्ट करके कंट्री से माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा किसके बारे में आपका इशारा कर रहे हैं? देखिए जो भी जिम्मेदारी अभी फिक्सअप होगी, उनकी कमेटी बैठेगी तो उसमें तो होगा, वो चर्चा होगी उनकी, वो तो अधिकारियों की तय होगी ना सर, नेताओं का थोड़ी होगा, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री और प्राइम मिनिस्टर। व्हेनेवर बीजेपी हैज बीन इन पावर टेरर अटैक्स, देयर इज ऑलवेज अ स्पाइक इन टेरर अटैक्स, व्हाट आर यू बेसिंग I had said in the my statement also, I have said, and not only that, but the from 1999, you see, when the government of BJP was in existence in India till 2004, I have series of attacks I have explained, you see, till the parliament attack on 13th December.